स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम वॉरियर्स में। आज हम पढ़ने वाले हैं ओल्ड करंट अफेयर से जुड़े 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। साथ ही आज के वीडियो में आपको कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट भी बताए जाएंगे जिन्हें आपको नोट ज़रूर कर लेना है। साथ ही आज के वीडियो में आपसे एक क्वेश्चन भी पूछा जाएगा जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, मालेरकोटला किस राज्य का 23वां जिला बना है? तो आपको याद रखना है, हाल ही में पंजाब राज्य के मुख्यमंत्री है कैप्टन अमरिंदर सिंह और इन्हीं के द्वारा मालेरकोटला को पंजाब राज्य का 23वां जिला घोषित किया गया है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है और आपको याद रखना है। बात करें पंजाब राज्य की, तो पंजाब राज्य की राजधानी है चंडीगढ़, यहाँ पर मुख्यमंत्री है कैप्टन अमरिंदर सिंह और इन्हीं के द्वारा घोषणा की गई है। साथ ही आपको याद रखना है, राज्यपाल है VP सिंह बदनौर। वही अगर हम बात करें करंट अफेयर के फैक्ट की, तो हाल ही में देश के सभी राज्यों की परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स जारी की गई है जिसमें पंजाब राज्य शीर्ष पर रहा है। इंपॉर्टेंट फैक्ट और आपको याद रखना है। आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, फोर्ब्स 2020 की सूची में सबसे अधिक कमाई करने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो आप याद रखिएगा, हाल ही में फोर्ब्स की ओर से 2020 की टॉप 100 की सूची जारी की गई है जिसमें मुक्केबाज कोनोर मैकग्रेगर शीर्ष पर रहे हैं। इंपॉर्टेंट और आपको याद रखना है। साथ ही आप याद रखिएगा कि इस सूची में टॉप 100 में एकमात्र भारतीय हैं विराट कोहली जो शामिल हुए हैं। साथ ही आपको याद रखना है कि टॉप 100 में कौन से स्थान पर रहे हैं, तो विराट कोहली टॉप 100 में 59वें स्थान पर रहे हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट और आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बैंक की शुरुआत कहाँ की गई है? तो कोरोना महामारी के समय दिल्ली सरकार ने दिल्ली में ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बैंक की शुरुआत की है। अगर हम बात करें दिल्ली की, तो दिल्ली के मुख्यमंत्री है अरविंद केजरीवाल और राज्यपाल है अनिल, उपराज्यपाल है अनिल बैजल। जैसा कि आप जानते हैं दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है, तो यहाँ पर उपराज्यपाल है अनिल बैजल जिन्हें हाल ही में दिल्ली की कार्यकारी समिति का प्रमुख बनाया गया है। इम्पोर्टेंट और आपको याद रखना है। साथ ही आप याद रखिएगा कि हाल ही में दिल्ली सरकार ने दिल्ली में योग विज्ञान के लिए एक वर्ष का पाठ्यक्रम शुरू किया है। जैसा कि आप जानते हैं कि योग दिवस मनाया गया है और इस अवसर पर दिल्ली सरकार ने योग विज्ञान को पाठ्यक्रम में शामिल किया है। इम्पोर्टेंट और आपको याद रखना है। आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2021 कौन बने हैं? तो लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2021 बने हैं टेनिस प्लेयर जिनका नाम है राफेल नडाल। राफेल नडाल बने हैं लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2021। और आज का आपके लिए क्वेश्चन है और आपको बताना है कि लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2021 कौन बनी है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। साथ ही आप याद रखिएगा कि नीदरलैंड की टेनिस खिलाड़ी है कीकी बर्टेस और इन्होंने हाल ही में संन्यास की घोषणा की है, यानी कि इन्होंने टेनिस से संन्यास ले लिया है और ये हैं नीदरलैंड की टेनिस खिलाड़ी कीकी बर्टेस। ये भी इम्पोर्टेंट है और आपको याद रखना है। आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स का खिताब किन्होंने जीता है? तो लुइस हैमिल्टन ने जीता है स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स का खिताब। साथ ही आप एक करंट अफेयर का फैक्ट याद रखिएगा कि हाल ही में आयोजित फ्रेंच ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब जीता है मैक्स वर्स्टापन ने। रेडबुल के खिलाड़ी हैं मैक्स वर्स्टापन और इन्होंने ही फ्रेंच ग्रैंड प्रिक्स 2021 का हाल ही में खिताब जीता है। आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया गया है? ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो आपको याद रखना है कि 11 मई को हमारा देश भारत राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाता है। अगर हम बात करिए 11 मई को क्यों मनाया जाता है, क्योंकि 11 मई 1998 को भारत ने अपना दूसरा सफल परमाणु परीक्षण किया था। जैसा कि आप जानते हैं कि पहला सफल परमाणु परीक्षण हुआ था 1974 में, जब इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री थी, इनके समय पहला सफल परमाणु परीक्षण हुआ था। और दूसरा सफल परमाणु परीक्षण हुआ था 11 मई 1998 को और उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी जी। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं कि दूसरा सफल परमाणु परीक्षण के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, तो अटल बिहारी वाजपेयी थे। और ये परमाणु परीक्षण हुआ था राजस्थान के पोखरण में। और आपको याद रखना है कि इसीलिए 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है। आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, G20 पर्यटन मंत्रियों की बैठक किस देश में हुई है? तो आपको याद रखना है, इटली में G20 पर्यटन मंत्रियों की बैठक
हुई है। बात करें इटली की, तो इटली की राजधानी है रोम, और रोम से जुड़ा आपको एक इम्पोर्टेंट फैक्ट याद रखना है कि रोम में है संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय किस देश में है, तो इटली में है, और किस शहर में है, तो रोम में है। ये इम्पोर्टेंट और आपको याद रखना है। आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया है? तो आपको याद रखना है विश्व स्तर पर 3 मई को प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि इसे पहली बार कब मनाया गया था, तो संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा 1993 में 3 मई को पहली बार प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था, और तब से प्रत्येक वर्ष 3 मई को प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। साथ ही आप याद रखिएगा कि भारत में भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो आपको याद रखना है कि भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है चार्ल्स मेटकॉफ को, जो कि भारत का गवर्नर जनरल रहा था। इम्पोर्टेंट और आपको याद रखना है कि भारत का गवर्नर जनरल रहा चार्ल्स मेटकॉफ को भारत की प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और आपको याद रखना है। आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है, वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो आपको याद रखना है कृति करंत, जो कि एक भारतीय हैं, और ये ही वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। इम्पोर्टेंट और आपको याद रखना है। और एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट याद रखिएगा जो करंट अफेयर से जुड़ा है, CEU ओपन सोसाइटी पुरस्कार, जो यूरोप महाद्वीप में जो यूनिवर्सिटीज़ हैं इनका एक पुरस्कार होता है CEU ओपन सोसाइटी पुरस्कार, और इसे किन्हें मिला है? तो आपको याद रखना है कि भारत में केरल राज्य की स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री रही KK शैलजा को हाल ही में CEU के ओपन सोसाइटी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। किन्हें किया गया है? तो KK शैलजा को किया गया है, जो केरल राज्य के मंत्रिमंडल में, जो केरल राज्य है इसका मंत्रिमंडल है, इसमें स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री रही हैं। इम्पोर्टेंट और आपको याद रखना है। आज का हमारा अंतिम और क्वेश्चन नंबर 10 और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि किस राज्य सरकार ने युवाओं को प्रशिक्षित करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट के साथ समझौता किया है? तो आपको याद रखना है हाल ही में आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने राज्य के युवाओं को प्रशिक्षित करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट के साथ समझौता किया है। बात करें आंध्र प्रदेश राज्य की, तो आंध्र प्रदेश राज्य की राजधानी है अमरावती। जैसा कि आप जानते हैं कि तेलंगाना आंध्र प्रदेश से अलग होकर भारत का 29वां राज्य बना था। कब बना था? तो 2 जून 2014 को बना था। उससे पहले हैदराबाद आंध्र प्रदेश की राजधानी हुआ करता था, लेकिन अब आंध्र प्रदेश की राजधानी है अमरावती और तेलंगाना की राजधानी है हैदराबाद। अगर हम बात करें आंध्र प्रदेश की, तो आंध्र प्रदेश राज्य का गठन हुआ था 1 जनवरी 1953 को। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया, तो आपको याद रखना 1953 में 1 जनवरी को आंध्र प्रदेश राज्य का गठन हुआ था, और ये भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य था। ये सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको याद रखने। साथ ही आप याद रखिएगा कि हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई IBPS योजना के तहत आंध्र प्रदेश राज्य शीर्ष पर रहा है, और दूसरे स्थान पर है तमिलनाडु राज्य। ये फैक्ट इम्पोर्टेंट और आपको याद रखना है कि हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा IBPS योजना शुरू की गई है, और इसमें आंध्र प्रदेश राज्य पहले स्थान पर रहे हैं और तमिलनाडु राज्य दूसरे स्थान पर है। आपको ये सभी इम्पोर्टेंट फैक्ट याद रखने हैं। तो ये हैं आज के ओल्ड करंट अफेयर से जुड़े 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, तो आपको इन्हें नोट जरूर कर लेना है। साथ ही जो क्वेश्चन आपको पूछा गया है कि ग्लोरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर 2021 कौन बनी है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। साथ ही आप ध्यान दीजिएगा कि इस महीने का जून महीने की करंट अफेयर की पूरी PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, तो आप टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो अगर आज का वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। साथ ही वे सभी जो आज चैनल पर नए हैं, उन्हें वीडियो अच्छा लगे, उपयोगी लगे, तो चैनल सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही बेल आइकन ज़रूर दबाएं, जिससे कि आने वाले वीडियो की तुरंत जानकारी आपको मिल सके। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।